आपको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर यानी TEE पर। तो दोस्तों अभी तक हम लोग ने 21 प्रैक्टिस सेट कर लिए थे, ठीक है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे और जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके आप लोग जो जिन लोगों ने भी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं वो वहाँ पर जाके देख लीजिए, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते रहिए, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। और आज से हमारे क्या है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कराएंगे, ठीक है, आज से हम आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कराएंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है पोषण आहार विज्ञान के जनक हैं। पोषण आहार विज्ञान के जनक हैं बताना है आपको। ऑप्शन ए है लेवाइजर, ऑप्शन बी पेंटिकोफर, या ऑप्शन सी है अतवाटर, या फिर ऑप्शन डी बोएट। तो यहाँ पर हमारा कौन सा, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एक का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन है तो ये पोषण आहार के विज्ञान जनक कौन है, लेवाइजर है, ठीक है। और इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है एंटोनी लेवाइजर, ठीक है। क्या है इनका पूरा नाम, एंटोनी लेवाइजर इनका पूरा नाम है, ये याद रखना, ठीक है। आप लोग ये कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि इनका पूरा नाम क्या था, तो इनका नाम पूरा नाम एंटोनी लेवाइजर था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दो है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस देश का वृद्धि रोध में पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान है। ऑप्शन ए नाइजीरिया, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भूटान, या फिर ऑप्शन डी भारत। तो यहाँ पर, और ये जो क्वेश्चन है ये UGC नेट एग्जाम दिसंबर 2019 में आया हुआ है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन है किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दो का ऑप्शन कौन सा है, ए से ही हो जाएगा किसी, ठीक है, कौन सा है तो वो नाइजीरिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीन है, ये देखिए आपका DSSSB PGT 2018 में आया हुआ है, ठीक है, किसमें PGT 2018 में आया हुआ है, ये कौन सा क्वेश्चन है। तो ये तीसरा है, कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है। ऑप्शन ए कच्ची मछली और मांस का टिक्का, ऑप्शन बी अंडे, ऑप्शन सी दालें और भूरा चावल, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीन का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वो क्या है, दालें और भूरा चावल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चार है, तो ये देखिए आपका ये भी PGT 2018 में आया हुआ है, ठीक है, कब आया PGT 2018 में आया, वो उधर साइड से थोड़ा सा कट हो गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र में कितने चरण हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, या फिर ऑप्शन डी 8। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 का हमारा ऑप्शन जो हमारा आंसर है वो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, ठीक है, क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण में कितने चार चरण होते हैं, ठीक है, कितने चार चरण होते हैं जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें से हमारा कोई भी सही नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पर ये सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण में चार चरण होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं वह हैं। ऑप्शन ए फूड एडिटिव, ऑप्शन बी फूड सप्लीमेंट, ऑप्शन सी फर्मेंटेड फूड, या फिर ऑप्शन डी फोर्टिफाइड फूड, ठीक है। तो ये कहाँ है, कौन से एग्जाम में आया है, तो UPLT 29 जुलाई 2018 को जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, वह क्या है, तो वो फूड एडिटिव है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स जल्दी क्लास को लाइक और शेयर करिए ताकि और लोग भी हमारी क्लास का लाभ ले सके, ठीक है, जो भी होम साइंस से तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक क्लास शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर ये अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है, और ये कब आया था, तो भी UGC नेट एग्जाम सेकंड पेपर में जुलाई 2018 में आया था, ठीक है। UGC नेट में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, अभिकथन है इसका, अकाल के समय में एक जन समुदाय में कुपोषण के स्तर का निर्धारण करने के लिए सबसे व्यापक मान्य तरीका है कि इसका निर्धारण 6 से 59 माह की उम्र के बच्चों में किया जाए। कारण क्या है इसका, कारण है आहार की कमी के समय में
कुपोषण के लक्षण सबसे पहले छोटे बच्चों में विकसित होते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन कौन सा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए और आर दोनों सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णता अपर्याप्त है। ऑप्शन ए मृदु भोजन, ऑप्शन सी पूर्ण द्रव भोजन, ऑप्शन सी स्पष्ट द्रव भोजन, या फिर ऑप्शन डी नियमित भोजन। तो ये भी आपका पीजीटी 2019 में आया हुआ है। ठीक है, जितने भी फ्रेंड्स क्वेश्चन हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से पढ़िए और आप कॉपी पिन लेके बैठिए। ठीक है, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट हैं या फिर जो अलग से बताया जाता है वो आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन कौन सा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, वह क्या है, तो वो स्पष्ट द्रव भोजन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है। ऑप्शन ए विज्ञान, शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है। ऑप्शन ए विज्ञान, ऑप्शन बी खाद्य विज्ञान, ऑप्शन सी पत्ते, या फिर ऑप्शन डी पोषण। ये कब आया, तो ये आपका टीजीटी 2019 में आया। ठीक है, कब, टीजीटी 2019 में आया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन कौन सा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, वो क्या है, तो वो पोषण है। ठीक है, क्या है, वह पोषण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कब आया, तो ये आपका यूजीसी नेट एग्जाम सेकंड पेपर जुलाई 2018 में आया है। ठीक है, कब, 2018 में, और यूजीसी नेट एग्जाम में आया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको सही क्रम में लगाना है। राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रिया को सही क्रम से लगाएं। पहला क्या है, विश्लेषण के लिए संरचना का विकास करना। दूसरा, मूल्यांकन और निगरानी की प्रक्रिया के लिए मूल सूचकों का निर्धारण करना। तीसरा है, उपलब्धियों और परिणाम के बारे में लिखना। चौथा, नमूने प्रवृत्ति और संभावित व्याख्या की पहचान करना। और पांचवा है, सूचकों के बारे में जानकारी एकत्रित करना। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा दूसरा, मूल्यांकन और निगरानी की प्रक्रिया के लिए मूल सूचकों का निर्धारण करना। उसके बाद पांचवा आएगा कौन सा, सूचकों के बारे में जानकारी एकत्र करना। फिर कौन सा, फिर पहला आएगा विश्लेषण के लिए संरचना का विकास करना। उसके बाद चौथा आएगा नमूने प्रवृत्ति और संभावित व्याख्या की पहचान करना। और लास्ट में हमारा तीसरा आ जाएगा, उपलब्धियों और परिणाम के बारे में लिखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 है, पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है। पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है, ऑप्शन ए मुंह में, ऑप्शन बी अमाशय में, ऑप्शन सी छोटी आंत में, या फिर ऑप्शन डी बड़ी आंत में। तो ये कब आया था, तो ये आपका जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 27 दिसंबर 2014 में आया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। जो 11 क्वेश्चन नंबर ये का, ये पीजीटी 2005 में आया हुआ है। ठीक है, पीजीटी 2005 में आया हुआ है। क्वेश्चन है, बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन ए निद्रा, ऑप्शन बी व्यायाम, ऑप्शन सी पोषण, या फिर ऑप्शन डी स्वच्छता। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन कौन सा, सी सही हो जाएगा। वो क्या है, पोषण है। क्योंकि अगर बच्चों का पोषण सही नहीं होगा तो उनका शारीरिक विकास और वृद्धि भी सही तरीके से नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए हमें बच्चों को संतुलित भोजन देना चाहिए, प्रोटीन भी सही अच्छी मात्रा में देनी चाहिए। ठीक है, ताकि उनका शारीरिक विकास और वृद्धि अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है। पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है। ये कब आया, तो ये पीजीटी 2006 में आया था। ठीक है, पीजीटी 2006 का क्वेश्चन है ये। पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है, ऑप्शन ए दबाव द्वारा पकने से, ऑप्शन बी भूनने से, ऑप्शन सी है उबालने से, या फिर ऑप्शन डी तलने से। तो यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन कौन सा सी सही हो जाएगा, क्या है उबालने से है, ठीक है, क्या है उबालने से है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर ही सूची दी हुई है आपको, इन्हें सही सुमेलित करना है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को पूरा दिख जाए क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह से कर देती हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कब आया है, UGC नेट एग्जाम में थर्ड पेपर है, 2014 में आया था दिसंबर में, ठीक है, कब, 2014 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, सूची एक में दिए गए पौष्टिक तत्वों को सूची दो में दिए उनके मूल्यांकन करने की विधि के साथ सुमेलित करें, ठीक है। तो इधर सूची वन में क्या है, प्रोटीन, बीटा कैरोटीन है, एस्कॉर्बिक एसिड और वसा में असंतृप्तता। सूची दो में क्या है, आयोडीन संख्या, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जेलडाल विधि, टाइट्री मैट्रिक और HPLC, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, कौन सा सी सही हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन का क्या हो जाएगा, प्रोटीन का हो जाएगा HPLC और बीटा कैरोटीन का, तो बीटा कैरोटीन का हो जाएगा हमारा टाइट्री मैट्रिक, ठीक है, कौन सा टाइट्री मैट्रिक हो जाएगा। और एस्कॉर्बिक एसिड है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में बचा हमारा वसा में असंतृप्तता, तो ये किससे हो जाएगा, ये आयोडीन संख्या से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। फ्रेंड्स आप लोग खूब अच्छे से पढ़िए और खूब मेहनत करिए, ठीक है, ताकि आप लोग की मेहनत जो है कामयाब हो जाए और आप एग्जाम में अपनी एक सीट पक्की कर ले, ठीक है। तो आपको रुकना नहीं है और पढ़ते रहना है, अपनी पढ़ाई जारी रखनी है और अच्छे से मन लगाकर पढ़ना है, ठीक है। चलिए 14 क्वेश्चन है, व्यायाम में पोषण की भूमिका है। ऑप्शन ए का, व्यायाम के बाद वापसी पर भारी प्रभाव पाया गया है। ऑप्शन बी, वापसी की अपेक्षा निष्पादन हेतु अधिक महत्वपूर्ण। ऑप्शन सी, अब एक बड़ी समस्या नहीं है। या फिर ऑप्शन डी, उच्च स्तरीय तैराकों के लिए केवल महत्वपूर्ण है। ये कब आया है, तो DSSSB PGT 2018 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, कौन सा ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। बड़ी या छोटी खाद्य सेवा इकाई में खाद्य मूल्य निम्न प्रतिशत के बीच में पाया जाता है। ऑप्शन ए 40 से 60%, ऑप्शन बी है 20 से 30%, या फिर ऑप्शन सी 55 से 75%, या फिर ऑप्शन डी है 75% से अधिक। तो ये कब आया, तो ये NTA UGC नेट एग्जाम 2019 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। वो कितना है, तो वो 40 से 60% के बीच में पाया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। पोषण क्या है, बताना है आपको पोषण, पोषण क्या है। ऑप्शन ए है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर के सभी भाग आवश्यक पदार्थ प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर पदार्थों का उपयोग समृद्धि और नवीकरण के लिए करता है। ऑप्शन सी है यहाँ पर, एक प्रक्रिया है जहाँ पदार्थ उनके कार्यों और समृद्धि के लिए प्राप्त किए जाते हैं और उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन डी है, एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करता है और उनका उपयोग करता है, ठीक है। ये TGT 2005 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर हमारा। ये क्या है, पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करता है और उनका उपयोग करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हम आपको, अभी हमने क्या पढ़ा था, भोजन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, भोजन के कार्य एवं भोज्य समूह पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, भोजन के कार्य और भोज्य समूह, ठीक। चलिए क्वेश्चन है, यहाँ पर एक तरफ खाद्य पदार्थ की सूची है और दूसरी तरफ पोषक तत्वों की सूची है, तो यहाँ पर आपको मिलान करना, ठीक है। खाद्य पदार्थ क्या है, पहला है हरी पीली सब्जियाँ, फिर दूध व दुग्ध पदार्थ, फिर ब्रेड आटा अनाज और फिर संतरा टमाटर अंगूर व पत्ता गोभी, ठीक है। पोषक तत्व हैं इधर
पहला है कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन व विटामिन, दूसरा है एस्कॉर्बिक एसिड, तीसरा है कैरोटीनॉइड्स आयरन व एस्कॉर्बिक एसिड, चौथा थायमिन, नियासिन, राइबोफ्लेविन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सूची दी हुई है और ये कोड दिए हुए हैं, उस तरह से आपको मिलाना है। और ये कब आया, तो ये GIC 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, GIC 2021 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से 17 का डी सही हो जाएगा, यानी कि ए का किससे करेंगे हम, ए को 3 से मिलाएंगे। ठीक है, हरी पीली सब्जियों में क्या पाया जाता है, तो कैरोटीनॉइड्स आयरन व एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, बी का कौन सा हो जाएगा, तो बी का ए हो जाएगा, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन व विटामिन। और सी का 4 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, 4 हो जाएगा, इसमें थायमिन, नियासिन, राइबोफ्लेविन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर। ठीक है, लास्ट में हमारा कौन सा, डी बचा है, तो इसका कौन सा, इसका हो जाएगा 2 एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें भी सूची दी हुई है और उन्हें मिलाना है। ठीक है, एक तरफ क्या है, खाद्य संयोजी है और दूसरी तरफ उनके कार्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते, चलिए, ए है खमीर, बी सोया लेसिथिन, सी ब्यूटाइल हाइड्रोक्सिल टोलियम, डी है बेंजोल पेरोक्साइड और ई है कैल्शियम सोर्बेट। ठीक है, और इधर ही कार्य देख लेते हैं, पहला क्या है, पाइसी कारक, दूसरा प्रतिऑक्सी कारक, तीसरा ब्रंजक, चौथा है परिरक्षक और पांचवा किब्बन। ये है NTAUGC नेट दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका कौन सा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, भोजन के गैर पोषणीय घटक हैं, ए DSSP PGT 2018 का ये क्वेश्चन है। भोजन के गैर पोषणीय घटक कौन से हैं, ऑप्शन ए रेसे या रफेज, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी बर्ड यौगिक या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्या है, उपरोक्त सभी हमारे भोजन के गैर पोषणीय घटक हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, ये GIC 2017 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ट्राइडजिल टेस्ट निम्न में से किससे संबंधित है, ऑप्शन ए भोजन का ज्ञानेन्द्रिय मूल्यांकन, ऑप्शन बी है भोजन के प्रोटीन का अनुमान, ऑप्शन सी भोजन में वसा का मूल्यांकन या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये किससे संबंधित है, तो ये भोजन का ज्ञानेन्द्रिय मूल्यांकन से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, भोजन शरीर में निम्न में से कौन सा कार्य करते हैं, ये आपका GIC प्रवक्ता 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, भोजन शरीर में निम्न में से कौन सा कार्य करते हैं, ऑप्शन ए शारीरिक कार्य, ऑप्शन बी सामाजिक कार्य, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक कार्य या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भोजन हमारे शरीर में शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सभी कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, ये अभिकथन और कारण वाला। ठीक है, और ये भी UGC नेट एग्जाम 2015 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे अभिकथन क्या है, अभिकथन है एंटीऑक्सीडेंट के उत्तम साधन वाले खाद्य पदार्थ ग्रहण करने से कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। कारण क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स रक्त प्रणाली में बहने वाले फ्री रेडिकल्स को निष्प्रभावी कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्या है कि ए और आर दोनों सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से कौन सी विधि व्यक्ति के पोषण स्तर का आकलन नहीं करती है, ऑप्शन ए 24 घंटा बाद विधि, ऑप्शन बी उम्र अनुसार लंबाई या फिर ऑप्शन सी जैव रासायनिक विधि या फिर ऑप्शन डी है रचना विधि। ये कब का क्वेश्चन है, तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता एग्जाम 2014 का है। ठीक है, कब है,
2014-15 का है, ठीक है, जो कब एग्जाम हुआ था, 14 मार्च 2015 को हुआ था उसका ये क्वेश्चन है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा सही हो जाएगा। इसमें जो ये क्वेश्चन था इसमें आयोग ने ये चारों ऑप्शन को सही माना है, ठीक है। कौन सा, ये पहला 24 घंटा बाद विधि, दूसरा है उम्र अनुसार लंबाई, तीसरा जैव रासायनिक विधि और चौथा रचना विधि। तो आयोग ने हमारे चारों ऑप्शन को सही माना है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे होता उपरोक्त सभी तो हम इस पर टिक कर देते, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर ये चारों सही है, ठीक है, याद रखना आपको ये चारों सही है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर का ही एग्जाम का क्वेश्चन है जो 2015 में आया था, ठीक है। यहाँ पे 5 खाद्य समूह पद्धति हैं, ऑप्शन ए प्रोटीन, ऊर्जा, वसा, विटामिन और खनिज, ऑप्शन बी खाद्यान्न, अनाज एवं उत्पाद, दालें एवं फलियां, दूध एवं दूध उत्पाद, फल एवं सब्जियां और वसा एवं चीनी। सी, ऑप्शन सी है प्रोटीन, रेशा, ऊर्जा, विटामिन और खनिज, ऑप्शन डी है खाद्यान्न, दालें, सब्जियां, फल और दूध। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, बी सही हो जाएगा। 5 खाद्य समूह है वो है खाद्यान्न, अनाज एवं उत्पाद, दालें एवं फलियां, दूध एवं दूध उत्पाद, फल एवं सब्जियां और वसा एवं चीनी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है जो कि पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन है, अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण कहलाता है। ऑप्शन ए आत्मसातकरण, ऑप्शन बी है आधारीय चयापचय, ऑप्शन बी सी है पाचन या फिर ऑप्शन डी आहारिकी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। क्या है वो, आधारीय चयापचय कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, ये भी पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है, रॉल क्या है, ऑप्शन ए बर्णक है, ऑप्शन बी रंजक है, ऑप्शन सी रंग है या फिर ऑप्शन डी धागा है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है रॉल, रॉल एक बर्णक है, ठीक है। क्या है रॉल, एक बर्णक है, ठीक है। ये क्या है, तो ये एक गोंद जैसा हाइड्रोकार्बन द्रव्य होता है, ठीक है। कि कैसा होता है, ये गोंद जैसा एक हाइड्रोकार्बन द्रव्य होता है जो पेड़ों की छाल और लकड़ी से निकलता है, ठीक है। किससे, पेड़ों की छाल और लकड़ी से निकलता है, जो पहले जब गांव में देखते थे कि वहां पर जो पेड़ होते ना तो उसमें गोंद जैसा जो पदार्थ निकलता था, तो वही क्या है, वही रॉल था, ठीक है। क्या कहते हैं उसे, हम उसे क्यों हम रॉल कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है। ये टीजीटी 2004 का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन ए 4 खाद्य वर्ग की, ऑप्शन बी 5 खाद्य वर्ग की, ऑप्शन सी है 7 खाद्य वर्ग की या फिर ऑप्शन डी 11 खाद्य वर्ग की। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कितने, तो 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, पोषणिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है इस रूप में, ऑप्शन ए अच्छी और बुरी, ऑप्शन बी कुपोषित और अति पोषित, ऑप्शन सी अपर्याप्त और पर्याप्त या फिर ऑप्शन डी अनुकूलतम और अल्पतम। ये कब का है, तो ये टीजीटी 2005 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या है, तो वो अनुकूलतम और अल्पतम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, किम्बन से क्या बढ़ता है, ऑप्शन ए पाचनशीलता, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी विटामिन ई या फिर ऑप्शन डी कुल प्रोटीन। ये टीजीटी 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्या, ए सही हो जाएगा, किम्बन से क्या होता है, पाचनशीलता बढ़ती है, ठीक है। क्या होता है, पाचनशीलता बढ़ती है, ठीक है। और किम्बन के द्वारा ही हमारा डबल रोटी जो होती है, डबल रोटी, नॉन और पिज्जा, जो किम्बन क्रिया के द्वारा ही बनाए जाते हैं, ठीक है। खमीरीकरण जब होता है उसमें, तो खमीरीकरण के बाद ही हमारे ये चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। उनसे क्या होता है, उनसे पाचनशीलता बढ़ जाती है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये सूची है, इनको आपको मिलाना है, एक तरफ खाद्य पदार्थ है और उसके दूसरी तरफ क्या है, पोषक तत्व है, ठीक है। तो
तो खाद्य पदार्थ क्या है? पपीता, संतरा, खजूर और रागी। पोषक तत्व लौह, कैल्शियम, विटामिन सी और विटामिन ए। ठीक है, ये यूजीसी नेट सेकंड पेपर 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है, जो दिसंबर में आया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये मिलाना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सी सही हो जाएगा, यानी कि पपीता। पपीता में क्या विटामिन ए होता है, ठीक है, और संतरा में विटामिन सी होता है। ठीक है, और जो खजूर है उसमें क्या लौह तत्व तो पाया जाता है। ठीक, और जो रागी उसमें कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये ऐसे मिलाना है। ठीक है, चलिए आज हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, और अब जितने भी प्रैक्टिस सेट हमने कराए हैं, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि वो जितने भी करा चुके हैं काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों ने देख लीजिए, और फिर ये आज से हमारी टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट हो गई है, तो इसी भी आप लोग अच्छे से पढ़िए। ठीक है, जितनी भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए और अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।